कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टी से बने हैं। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाए, बना के देख लीजिए। ये नंबर 1 बंगाली स्टाइल है। एक बार इस तरह रेसिपी खाएगा तो बार बार बनाने को आदत बन जाएगा। इतना टेस्टी होता है ये ड्राई फिश का रेसिपी इस तरह बनाएगा तो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बना रहा हूँ नॉर्थ इंडियन बंगाली स्टाइल ड्राई फिश रेसिपी। तो ड्राई फिश रेसिपी की बनाने के लिए मैंने सीम लिया है, आलू लिया है, मटर लिया है। तो मैं सीम को कट कर लिया है, ये सीम को मैं छोटा छोटा करके कट कर लिया है। तो अभी मैं ड्राई फिश रेसिपी बनाएंगे, तो देख लीजिए। मैं ये सभी रेडी कर लिया है, तो अभी मैं ड्राई फिश को रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ड्राई फिश लिया है। इस ड्राई फिश को मैं पहले क्लीन कर लेंगे, जो इस ड्राई फिश का मुंडी है और मुंडी को मैं फेंक देंगे। इस तरह करके सभी मुंडी को मैं फेंक देंगे। इस तरह करके सभी ड्राई फिश को मैं ले लेंगे। ड्राई फिश को मैं ले लिया, ये सभी वेस्ट है, ये फेंकने का है। अभी मैं ड्राई फिश को अच्छा से क्लीन कर लेंगे। थोड़ा पानी ऐड कर देता हूँ। अच्छा से मैं 2-3 बार क्लीन करना है। नमक ऐड कर देंगे। अच्छा से क्लीन करना है। देख लीजिए, मैं अच्छा से क्लीन कर लिया। अभी मैं ड्राई फिश बनाएंगे, देख लीजिए मैं किस तरह बनाता हूँ, किस तरह बनाता हूँ बंगाली स्टाइल पे। एक स्पून से कम हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। एक स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। आधा स्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। एक स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इतना ही मसाला हम बनाएंगे और कुछ ऐड नहीं करेंगे। एक स्पून नमक ऐड कर दे रहा हूँ। ये प्याज भी ऐड कर देंगे। थोड़ा प्याज रख देता हूँ। लहसुन भी ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। अभी देख लीजिए मैं किस तरह बना तो 100% टेस्टी। तो फ्रेंड्स, मैं कढ़ाई पे तेल ऐड कर दिया, इसमें थोड़ा प्याज ऐड कर देंगे। अब इसमें मसाला और ड्राई फिश ऐड कर देंगे। अभी मैं ड्राई फिश का साथ मसाला को अच्छे से पकाएंगे। दो मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया। ड्राई फिश को मैं अच्छे से रेडी कर लिया। अभी देख लीजिए मसाला रेडी है। अभी मैं उसका साथ सब्जी को ऐड कर देंगे। अभी इसका साथ में ये सब्जी को ऐड कर देंगे। अभी मैं ड्राई फिश मसाला का साथ अच्छा से मिक्स करेंगे। ड्राई फिश का साथ सब्जी को मैं अच्छा से मिक्स कर लिया। अभी मैं 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ऐसे 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया। अभी मैं 1 मिनट इसे और फ्राई करेंगे। अभी मैं थोड़ा पानी ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा सूखा टाइप में बनाएंगे, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो
उतना ही पानी ऐड करेंगे। ड्राई फिश में ग्रेवी नहीं करना, थोड़ा सूखा बनाएगा तो अच्छा लगता है खाने में। अभी फिर से मैं अभी 5 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे, तब तक रेडी हो जाएगा। अभी मैं और 5 मिनट्स के लिए इसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स 5 मिनट्स हो गया, इस तरह में सूखा टाइप पे रखेंगे। अभी इसमें लास्ट में ऐड कर देंगे धनिया पत्ता, ऐड कर देंगे या धनिया पत्ता ऐड कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने एक बोल पे ले लिया, कितना ज़बरदस्त और कितना टेस्टी से बना है। आप लोग इस तरह ज़रूर बनाए, बना के देख लीजिए, ये नंबर 1 बंगाली स्टाइल है। एक बार इस तरह रेसिपी खाएगा तो बार बार बनाने को आदत बन जाएगा, इतना टेस्टी होता है ये ड्राई फिश का रेसिपी इस तरह बनाएगा तो। फ्रेंड्स आप लोग इस तरह ज़रूर बनाए, बना के देख लीजिए, इस तरह बनाए के राइस का साथ खाइए, रोटी का साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी होता है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन गया, इस तरह आप लोग ज़रूर बनाए, बना के देख लीजिए टेस्ट कितना है। तो फ्रेंड्स वही था आज का मेरा स्पेशल वीडियो। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।